प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूँ जो आपके सिलेबस से संबंधित है, जिसमें आपको शब्द, छंद और अलंकार आते हैं। तो आज मेरा मुख्य विषय छंद है। छंद के ऊपर मैं कुछ महत्वपूर्ण संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि वो आपके लिए परीक्षा में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो सबसे पहले मैं आपको छंद के बारे में बताऊंगा कि छंद संबंधी कुछ महत्वपूर्ण नियम के छंद जो है, दो प्रकार के छंद हैं हमारे साहित्य में। पहला है मात्रिक छंद, दूसरा है वर्णिक छंद। तो मात्रिक छंद और वर्णिक छंद तो को पहचानने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि छंद की परिभाषा क्या होती है। तो साधारणतः हम देखा जाए तो जिस रचना में अक्षरों की निश्चित मात्रा का ध्यान रखा जाता है उसे छंद कहते हैं। कुछ इसको और सरल तरीके से देखा जाए, जिस रचना में मात्राओं एवं वर्णों की सीमा का अध्ययन रखते हुए या सीमा का अध्ययन रखा जाए, मात्राओं और वर्णों की सीमा का ध्यान रखा जाए उसे छंद कहते हैं। साधारणतः ये कहा जाएगा कि इसकी संत शब्दों में परिभाषा दी जाए, संत शब्दों में परिभाषा कही जाए तो इसका अर्थ यह होगा कि ऐसी रचना जिसमें गति, जति, चरण, दल, गण, मात्रा इत्यादि का जो पालन है वो नियमानुसार किया जाए उसे छंद कहता हूं। अब आगे छंद के संघटक आठ तत्व जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन आठ तत्वों का संक्षेप में मैं आपको समझाऊंगा, जिसमें पहला है चरण, दूसरा है वर्ण, तीसरा है मात्रा, लघु, गुरु, जति, गति और गर्भ। इन्हीं के आधार पर छंद की सारी रूपरेखा तैयार की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको चरण के विषय में बताने की कोशिश। चरण जो है, चरण कुछ पंक्तियों का समूह होता है और प्रत्येक पंक्ति में समान वर्ण या मात्राएं होती हैं। इन पंक्तियों को चरण कहते हैं। जिस प्रकार चरण में पहला और दूसरा जो चरण है, फिर तीसरा और चौथा चरण है, इसके बीच में जति का प्रयोग आता है, तो जो पहला और तीसरा है इसे विषम चरण कहा जाता है या विषम मात्रा कहा जाता है, जो दूसरा और चौथा है इसको सम चरण कहा जाता है। इसकी जो मात्राएं होती है वो बराबर होती है और जो सम चरण होती है इनकी मात्राएं जो होती है वो बराबर होती है। जैसे ये 13 है, पहले चरण में 13 मात्रा है और तीसरे चरण में भी 13 मात्रा का विधान है, और जो दूसरा चरण है अगर इसमें 11 चरण है और चौथे में भी 11 चरण है, अगर ये विधान है तो आपका एक छंद होगा। छंद जो दुआ शब्द होगा जैसा होता है, जो जो उसके नियम होंगे उसके मुताबिक ये छंद चलेगा। तो उसके पश्चात आएगा वर्ण। तो वर्ण ये आपका हो गया पहला चरण, चरण के हिसाब से दूसरा आ गया आपका वर्ण। तो वर्ण जो है वो ध्वनि की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं। छंद शास्त्र में दो प्रकार के वर्ण है, ह्रस्व और दीर्घ। इन दोनों के आधार पर वर्णों की छंद में गणना की जाती है। इसी के आधार पर मात्राएं और वर्ण की गणना होती है। कुछ दीर्घ होते हैं, कुछ लघु होते हैं। ह्रस्व जिसको लघु कहते हैं और दीर्घ जिसको दो कहते हैं, बड़ा कहते हैं। इसका जो चिन्ह है वो है एक और इसका जो चिन्ह है ये दो है। ये गुरु है, ये लघु है, ये छोटा है तो ये बड़ा है। अब तीसरा इसका जो मुख्य तत्व है वो है मात्रा। तो मात्रा किसी भी छंद का एक महत्वपूर्ण तत्व है।
किसी भी वर्ण में के उच्चारण में जो समय लगता है, ह्रस्व समय लगता है, दीर्घ समय लगता है, ह्रस्व में थोड़ा समय लगता है या दीर्घ ज्यादा समय लगता है, या जिस प्रकार स्वर है जो छोटा स्वर है, जैसे उ ई ये लघु स्वर है, इसी प्रकार दीर्घ स्वर है आ जब ई, ये इसकी मात्रा है ए ए, इसकी मात्रा है दो, यानी कि दो दो, तो ये मात्रा है यानी कि उसकी ध्वनि के आधार पर, लघु ध्वनि के आधार पर और दीर्घ ध्वनि ध्वनि के आधार पर उसकी गणना की जाती है। जैसे एक शब्द मैं लिखता हूं उसमें से हमें स्पष्ट हो जाएगा कि इसकी कितनी मात्रा है। जैसे कि दीर्घ ध्वनि है तो इसमें दो आए, दीर्घ ध्वनि के कारण ये है पा, इसका एक है, इसलिए इसकी तीन मात्राएं हो जाएगी। तो इसी प्रकार अगर हम आगे चलेंगे कि आपको मात्राओं के आधार पर आपको बता दिया, अब आपके आगे लघु मात्रा, अब इसको आगे स्पष्ट करते हुए मैं बताऊंगा कि लघु मात्रा वाला अक्षर शब्द शास्त्र में क्या कह रहा है, यानी कि शब्द शास्त्र में जो लघु मात्रा होती है, छोटी मात्रा होती है, उसको लघु कहते हैं। और उसके लिए ये चिन्ह जो मैंने आपको पहले बता दिया है लघु के लिए चिन्ह है ये, और गुरु के लिए दीर्घ ध्वनि होती है और दीर्घ ध्वनि के लिए चिन्ह है ये, यानी कि इसका है एक शब्द और इसका है दो शब्द। तो ये छंद में जब इसका प्रयोग होता है लघु पर और दीर्घ पर, तो इन चिन्हों के द्वारा हम काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, यानी कि निगमों के आधार पर जब हम काव्य लिखते हैं, जो काव्य की शोभा बढ़ती है शब्दों के आधार पर, तो इन निगमों का ध्यान रखा जाता है। इसके पहचान आता है अगला जो निगम है, अगला इसका गुण जो है वो है जति, जति। तो जति जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक दो तीन चार, ये चार चक्र, तो चार चक्रों के बीच में, यानी कि जो चार चक्र है, चार चक्र है, एक कुंडली है, एक काव्य है, या एक होता है तो भी, जैसे जात का पूछो साध का, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पढ़ा रहे तो ज्ञान। जब हम जात का पूछो साध की, जब जात का पूछो साध की, उसके बीच में ये जिसको हम कौरव बोलते हैं लेकिन इसको हिंदी में हम अल्पकार बोलते हैं, तो ये इसको जति कहा जाता है। तो जति इसी प्रकार जो अगली पंक्ति है या तीसरी पंक्ति है, जैसे मोर करो तलवार का, पढ़ा है तो ज्ञान, मोर करो तलवार का, तो जहाँ पर जति का प्रयोग होगा तो इसको भी जो अल्प ग्राम है थोड़ा ग्राम दिया जाता है, इसकी डिवीजन की जाती है, इसको तोड़ा जाता है, तो जहाँ पर जति, ये जति का कार्य करता है एक शब्द को अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अलग अलग ढंग से किया जाता है। आगे आता है गति, तो गति गति भी इसके साथ मिलता जुलता कि इसका एक अंग है। तो गति के बारे में एक उदाहरण दूंगा साथ में। गति का मीनिंग है या अर्थ होता है प्रवाह, प्रवाह जिस प्रकार नदी का प्रवाह होता है इसी प्रकार भाषा में भी प्रवाह होना चाहिए। तो प्रवाह काव्य में बहुत जरूरी है, तो इसलिए कोई भी मैंने जैसे पहली उदाहरण आपको दी है तो उसमें जाने की गति है चार का पूछो साथ की, चार का पूछो साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोर करो तलवार का, पढ़ा रहे हो मियां,
तो जहां पर गति और यति दोनों की आपको जात का कुछ साथ की यदि मोल करो तो बार का पड़ा रहे वो म्या, तो इसमें एक गति है प्रवाह है काव्य में, तो गति का भी प्रयोग हो गया, साथ में यति है। तो इसकी जो मैंने पहले किया गया मात्राएं, मात्राएं कैसे ली जाएगी वो आगे भी आपको बताऊंगा। तो लेकिन यहां पर भी जैसे ये दो है, ये एक है, ये एक है, ये दो है, दो है, ये दो है, ये दो है, ये एक है, ये दो है, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तो तेरह। आगे जब हम छंद करेंगे विशाल को छंद करेंगे उसमें जो बताया जाएगा कि जो पहला और तीसरा है उसमें तेरह तेरह पर हमने चरण होते हैं, जो दूसरा और चौथा है उसमें ग्यारह ग्यारह पर मात्राएं होती है। इसी प्रकार के देखिए दो है एक है, दो है एक है, दो है दो है एक, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, जहाँ पर ग्यारह का विधान है जहाँ पर तेरह का विधान है, तो इसी प्रकार जहाँ पर भी तेरह हो गए और जहाँ पर ग्यारह हो गए, जिस प्रकार जैसे दो एक एक दो एक दो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, जहाँ पर भी तेरह का विधान है और जहाँ पर भी ग्यारह हो गए एक दो एक 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 दो दो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, जहाँ पर ग्यारह। इस प्रकार एक मुझे मात्राओं के बारे में बता दिया कि तेरह ग्यारह पर है पहले, और जो विषम है वो समान मात्राएं होती है और जो विषम है वो समान मात्राएं होती है, तो यदि का भी प्रयोग हो गया यहाँ पर और इसमें गति का भी प्रयोग हो गया जो इसका तत्व है। अब एक इसका महत्वपूर्ण विषय है घर, तो अब जो छंद का आठवां तत्व है घर, तो घर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सामान्य का उदाहरण छंद में घर का जो अर्थ होता है समूह, समूह कहते हैं। तो वर्णिक छंदों में तीन वर्णों के समूह को घर कहते हैं, मात्रिक छंदों में चार पात्रों के समूह को गण कहते हैं। जो गण है वो आठ प्रकार के होते हैं, तो इन आठ प्रकार के गण को समझने के लिए एक बहुत ही सरल सूक्ति है जो मैं आपको बताऊंगा, उसके आधार पर अगर आप पहचान करेंगे तो आपको परीक्षा में कभी भी कठिनाई महसूस नहीं होगी। तो एक सूक्ति जो है वो मैं आपको बताता हूँ, जय माता राज धनस नगर। तो ये जो जय माता राज धनस नगर, इसके आधार पर हम आठ बार इसके कर सकते हैं घर को समझने के लिए। तो वो जो घर के आठ प्रकार है जैसे ये है, तो पहले यानी तीन वर्णों के समूह को मैंने घर कहा है, तो जैसे ये पहला है जो तीन वर्णों का समूह है जय माता, हम इसको जहां से ही सारा इसका ढांचा तैयार कर रहे हैं, तो पहले है जय माता, दूसरा है फिर तीसरे ये तीन शब्द दिए जाएंगे मा तारा, फिर ये ताराज, फिर राजभा, फिर जवान, नेक्स्ट आएगा भानस, बाद में आएगा ये नसल, और लास्ट आएगा सलगा। इसी के आधार पर हम इसकी गणना करेंगे, मात्राओं की गणना करेंगे कि किस प्रकार छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। तो जैसे जब आता है तो इसका जो चिन्ह है, मैंने पहले आपको बताया कि ये लघु है, तो लघु का चिन्ह होगा जे, मा का चिन्ह होगा क्योंकि जहां पर दीर्घ स्वर है तो दो, तो त के साथ भी दीर्घ स्वर है तो दो, तो ये जब आता का चिन्ह आ गया। इसी प्रकार मात्रा का है कि तीनों ही गुरु है, इसी प्रकार ताराज जो ताराज है
का राज था, राज गुरु लघु गुरु, उसके पहचान आएगा जवान लघु गुरु लघु, आगे आएगा महावंशा गुरु लघु गुरु, आगे आएगा नसल, तीनों ही इसके लघु आएगा लघु लघु, अंत में आएगा सलगम, इसमें पहले है लघु फिर गुरु, तो ये इसके चिन्ह हो गए के चिन्ह है, तो इसके प्रकार इसका नाम रखा गया। तो जब हम छंद करते हैं तो छंद में हम प्रयोग करते हैं कि पहली पंक्ति में वर्णों में पहले चरण में एक जगह होगा या दो जगह होंगे या एक दशम होगा, इसलिए इसका नामकरण भी दिया गया है उसके पश्चात आगे, और इसका नाम दिया गया है ज से जगत, इसका नाम दिया गया है मगध, इसका नाम है तगर, इसके पश्चात इसका नाम दिया गया है अगर, बाद में जगत भगत नसल और सगर, ये इसका नाम करते हैं। इसी नाम करने के आधार पर जब हम छंद करेंगे, दोहा करेंगे, सोटा करेंगे, रोमा करेंगे, कुंडलियां करेंगे, उसमें इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। साथ में ये जो गुण है, ये जो लक्षण है, जैसे ये लक्षण है, इनको लक्षण बोला जाता है। जैसे पहला लक्षण है कि आठ लघु, दूसरे दोनों गुरु, ये तीनों ही गुरु, ये लक्षण है। तो लक्षणों के आधार पर और गणों के आधार पर इसका हम छंद में प्रयोग करते हैं, और जो छंद की पहचान होती है तो वो इन्हीं के आधार पर की जाती है। तो छंद अब विद्यार्थियों के लिए परीक्षा में जो छंद आएगी वो केवल मात्रिक छंद आएगी, तो मैं कोशिश करूँगा अगले अध्याय में मात्रिक छंदों के बारे में बताने की। तो जितने मात्रिक छंद है वो उसमें तीन प्रकार के छंद होते हैं मात्रिक छंदों में, उसमें है पहला है सम, पहला है सम छंद, दूसरा है अर्ध सम, तीसरा है विषम छंद, तो ये जो वर्ण है मात्रिक छंद है, तो ये तीन प्रकार के छंद हो गए। तो वो मैं अगले अध्याय में इंडेक्स जो होगा उसमें आपको छंद के बारे में बतलाऊंगा।